Okay. वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो क्लास है आपकी एग्रीकल्चर रिवीजन क्लास, आपकी हरियाणा पुलिस एग्जामिनेशन के लिए। आप सभी जानते हो बच्चे कि जो आपका सिलेबस है उसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित, हरियाणा पुलिस एक्ट से संबंधित प्रश्न जो है आपके पूछे जाएंगे। और हमने ये भी देखा है कि अगर हरियाणा एसएससी के क्वेश्चन पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो वो हो सकता है कि आपको दो या तीन ही क्वेश्चन दे एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री से। और ये भी हो सकता है कि 20% हरियाणा जी के, 10% कंप्यूटर के अलावा ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री से भी देखने को। तो हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, है ना। अच्छे से हमें पूरा का पूरा टॉपिक कवर करना चाहिए। तो कल से आपकी रोज शाम 5 बजे, मतलब आज से ही आपकी रोज शाम 5 बजे क्लास चलेगी एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री और यू कैन से हरियाणा पुलिस एक्ट, जिसमें हम एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो डेली बेसिस पर हम जो है इसमें एक टॉपिक कवर करेंगे, मीन टू से कि एक क्रॉप, एक फसल हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और जैसे ये फसलें कवर हो जाएंगी हम यहाँ पर प्रैक्टिस क्लास आपकी शुरू कर देंगे। आप सभी अगर चाहें तो अपने फाउंडेशन बैच के साथ जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से थ्योरी के साथ सिलेबस कवर कराया जाएगा और फाउंडेशन बैच में ही आपको प्रैक्टिस बैच भी मिल जाएगा, मतलब आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ अभी 29 फरवरी तक के लिए अवेलेबल है, उसके बाद फाउंडेशन बैच की सेल ऑफ हो जाएगी। तो आप सभी देरी ना करते हुए जल्द से जल्द जो है अपने बैच से जुड़ जाइएगा बच्चे, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी पढ़ाया है किसके बारे में, वीट के बारे में, तो अभी हम क्या करेंगे, एक रिवीजन क्लास है, हम पूरे तरीके से यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं सब बच्चे आपके वीट का। तो सभी देखेंगे ध्यान से, गेहूं के बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वीट क्रॉप की बात करेंगे, वीट क्रॉप से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन ऐड किए हरियाणा एसएससी के द्वारा या अन्य और भी किसी एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से रिलेटेड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया है तो वो आपका अभी सेशन में हमने कवर किया है। तो आप सभी अच्छे से एक एक पॉइंट पर मेरे ध्यान देंगे। सबसे पहला प्रश्न जो कि आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वीट, गेहूं का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है भैया इसे? आप कहोगे कि मैम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, एस्टिवम, ठीक है भाई। ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, याद रखिएगा, गेहूं का वैज्ञानिक नाम। उसे नंबर पर लिखा है किस किस परिवार से संबंध रखता है, ग्रामिनी, ग्रामिनी फैमिली है आपके गेहूं की। लिखेंगे आप सभी यहाँ पर कि गेहूं का जो परिवार है वो होता है ग्रामिनी, ठीक है भाई, ग्रामिनी। और जो आपकी धान होती है चावल, चावल की भी फैमिली ग्रामिनी ही होती है, याद रखिएगा। इसका इसकी उत्पत्ति कहाँ से बताई गई है, मतलब गेहूं की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, साउथ वेस्ट एशिया टर्की अर्थात दक्षिण पश्चिम एशिया से, कहाँ से बताई जाती है, दक्षिण पश्चिम एशिया से बताई जाएगी, बताई जाती है। गेहूं में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन तय है आपके पेपर में आना, मतलब गेहूं से एक क्वेश्चन 100% कन्फर्म है। तो गेहूं में प्रोटीन होता है भैया 10 से 12%, याद रखिएगा। प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 10 से 12% होती है, तो गेहूं में भी प्रोटीन होता है। और गेहूं में फैट परसेंट कितना होता है, 1.5% आपका फैट आप कहेंगे। फाइबर कितना होता है, 1.2% आपका फाइबर होता है। कार्ब्स कितना पाया जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट 67 से 72% कार्बोहाइड्रेट आपको गेहूं में मिलेगा। तो इनमें सबसे अधिक मात्रा आपने किसकी देखी है, कार्बोहाइड्रेट की, उसके बाद में गेहूं में प्रोटीन होता है, आपका फैट और फाइबर। तो ये आपको याद रखना है, आपसे पूछे बताइए प्रोटीन कितना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 10 से 12% गेहूं में प्रोटीन जो है आपका पाया जाता है, लगभग 67 से 72% के आसपास गेहूं में कार्ब्स पाया जाता है, 1.5% गेहूं में क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है, 1.2% गेहूं में फाइबर पाया जाता है। तो ये चीजें आपको अच्छे से बच्चे याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। गेहूं के लिए नाइट्रोजन जैव उर्वरक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, उर्वरक हम कहेंगे यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर की बात की गई है, कि गेहूं की खेती के लिए आपको किस प्रकार की नाइट्रोजन
ठीक है भाई, बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए। तो गेहूं में एजोटोबैक्टर का प्रयोग किया जाता है। किसका? एजोटोबैक्टर का प्रयोग गेहूं की खेती में किया जाता है। ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पूछा आपसे, देखिएगा कि 100 ग्राम गेहूं में कितनी कैलोरी प्रदान कर सकता है। मतलब जो आपका 100 ग्राम गेहूं, अगर आपने 100 ग्राम गेहूं इंटेक किया है तो आपने कितनी कैलोरीज ली है। अगर आपने 100 ग्राम गेहूं लिया है, आई मीन्स खाया है आपने, लिया है, तो कितनी कैलोरी होती है उसमें? 327 कैलोरीज गेहूं में होगी। ठीक है, पूछे आपसे कि जो ड्यूरम होता है और सूजी के आटे का पीला रंग किस कैरेटिनॉइड वर्णक के कारण होता है। देखिए, मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था वीट के बारे में, कि जो वीट होता है, वीट की 3 प्रकार की मैंने आपको वो बताई थी, किस में बताई थी कि अलग अलग प्रकार की होती है। उसमें एक ड्यूरम हमने पढ़ा था कि ड्यूरम होता है, और ड्यूरम का जो रंग है, और मोस्टली जो सूजी का आटे का रंग है, यहाँ पर पीला बताया गया कि हल्का पीला रंग आपको दिखाई देगा। ये किस वजह से होता है? ल्यूटीन की वजह से होता है, याद रखें। तो कौन सा कैरेटिनॉइड पाया जाता है? ल्यूटीन होता है। विश्व की मुख्य भोजन यानी कि विश्व की मुख्य खाद्य स्थल जो बताई गई है, गेहूं को हम अनाजों का राजा कहते हैं, आप सभी जानते हो। गेहूं में पुष्पक्रम को किस नाम से जाना जाता है? तो गेहूं में पुष्पक्रम को हम ईयर कहते हैं, स्पाइक कहते हैं, हेड कहते हैं। व्हाट डज इट मीन? तो ये आप देख लीजिएगा कि गेहूं में जो पुष्पक्रम है उसका मतलब क्या है। तो स्पाइक का मतलब क्या होता है? देखिए, इस प्रकार से ये वीट आपको दिखाई देगा, ठीक है, गेहूं है, ठीक है भाई। तो गेहूं में इस प्रकार से आपको अरेंजमेंट दिखाई देता है, देता है कि नहीं देता? इन्हें हम अपने यहाँ पे कहते हैं गेहूं की बाल, बाल भी कह देते हैं ना आप सभी, कि भैया गेहूं की बाल, ये आइए यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये स्पाइक्स में होता है, किसमें होता है आपका? स्पाइक। तो इसे ईयर भी कह देते हैं, स्पाइक भी कह देते हैं। तो इस प्रकार से स्पाइक्स बने होते हैं गेहूं में, और ये पूरे के पूरे देखो इस प्रकार से लंबी होती है, ठीक है भाई, इस प्रकार से यहाँ पर। तो ये स्पाइक्स अरेंजमेंट्स में होते हैं, इनफ्लोरेशन इनका स्पाइक्स आप इसे कहोगे, स्पाइकलेट्स। तो बहुत सारी ये स्पाइक्स मिल जाएगी तो इसे आप क्या कहोगे? स्पाइकलेट्स कहोगे, ठीक है भाई। और यहाँ पर जहां से ये जुड़ी होती है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? रेजेस कहते हैं, याद रखें। क्या कहते हैं आपका? रेजेस कहते हैं, याद रखेंगे आप सभी। तो ये होता है आपका गेहूं का क्या बच्चा? यहाँ पर अगर आप बात करोगे, इनफ्लोरेशन होता है, यानी कि गेहूं का जो पुष्पक्रम है वो होता है स्पाइक, स्पाइक्स पे होता है। इस प्रकार से अरेंजमेंट जो होता है, किस प्रकार से होता है, ठीक है। गेहूं के फल को क्या कहा जाता है? कारियोप्सिस कहा जाता है, याद रखेगा। क्या कहा जाता है? गेहूं के फल किस प्रकार का है? तो आप कहोगे यह कारियोप्सिस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है आपका? कारियोप्सिस होता है। गेहूं के दाने की केंद्रीय जिगजैग धुरी को क्या कहते हैं? अभी हमने देखा कि भाई इस प्रकार से ये जिगजैग, इस प्रकार से एक धुरी होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, देखिएगा, ये स्पाइक्स होते हैं। तो ये जो धुरी है, इसे आप क्या कहते हो? इसे आप रैचेस कहते हो, याद रखिएगा, ठीक है भाई। क्या कहते हो आप लोग? रेजेस कहते हो, याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। बोने का समय तो आप सभी जानते हैं, रबी की फसल है, ठीक है, ये रबी की फसल होती है। गेहूं में बोनेपन के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी होता है? तो गेहूं में जो ड्वार्फनेस होती है, बोनापन होता है, वह NORIN-10 की वजह से होता है। हरियाणा SSC के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, किसकी वजह से होता है? NORIN-10। जो NORIN-10 जीन है, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका में किसके द्वारा खोजा गया था? इसे खोजा गया था 1984 में SC सेलेमोन के द्वारा। किनके द्वारा? SC सेलेमोन के द्वारा। इनको USA में खोजा गया था, याद रखेंगे आप सभी। कहां पर प्यारे बच्चे आपके? USA में, ठीक है भी, ठीक है। गेहूं की बोनी शीतकालीन किस में? देखिए, बोनी भी है, ध्यान से सुनिएगा, बोनी है, शीतकालीन है। पहली बार किसके द्वारा नोरिन जीन के उपयोग से विकसित की गई थी? तो पहली बार किसने गेहूं की बोनी किस्म, जो कि शीतकालीन थी, किसने विकसित करी थी? तो ये भी आपके USA के OA वोगेल थे। कौन थे आपके? डॉक्टर OA वोगेल के द्वारा की गई थी, याद रखें। इनके द्वारा? डॉक्टर OA वोगेल के द्वारा। ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया था, याद रखिएगा, हरियाणा SSC के द्वारा, कि गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे आप क्या कहते हो? ग्लूटेन कहते हो। गेहूं में जो बेकिंग क्षमता होती है,
गेहूं की जो बेकिंग क्वालिटी होती है, विशेषता होती है, नोट क्षमता है ना, क्षमता भी कह सकते हो वैसे, तो जो बेकिंग गुणवत्ता होती है, बेकिंग क्वालिटी, गेहूं को बेक कर सकते हैं, वह किसकी वजह से होती है, उत्तर दीजिएगा। आप सभी के कमेंट आने चाहिए। देखिए क्लास में सीधी बात, आई मीन ओनली पढ़ाई होनी चाहिए, है ना, कोई फालतू की बात नहीं दिखनी चाहिए। और यहाँ पर अच्छी गुणवत्ता और रोटी बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन आवश्यक होता है, ग्लूटीन होता है, याद रखिएगा, वो तो गेहूं में ग्लूटीन है तो ग्लूटीन ही आंसर आएगा। गेहूं एक क्या है आपको बताना है कि गेहूं क्या है, हेक्साप्लॉयड प्लांट होता है। ये हमें आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले कि हेक्साप्लॉयड क्या है, इसका मतलब क्या, इसमें कौन कौन से स्पीसीज आती है, मैंने पूरा चार्ट बनवाया था, टेबल बनवाई थी, अगर आपने ना देखी हो तो एक बार सर्च कर लीजिएगा कि वीट एग्रीकल्चर क्लास बाय पूजा मैम एग्जामपुर, तो आपको मेरी क्लास वहां पर शो हो जाएगी, आप उस क्लास को जरूर देखिएगा। गेहूं के बारे में पूरा समझाया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग, इवन गेहूं में जो हम इरिगेशन करते हैं अर्थात सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई किन किन चरणों में होती है और कब सिंचाई से जो क्वेश्चन आए वही बताए गए, कब कब की जाती है, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, सब कुछ पढ़ाया गया, आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट लिखा है कि मैक्सिकन बोना गेहूं कौन सा होता है, तो मैक्सिकन ड्वार्फ वीट होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है भी। आपसे पूछा बताइए कि ब्रेड वीट किसे कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था ना कि ब्रेड वीट भी होता है, मैक्सिकन वीट भी होता है, मार्कोनी वीट भी होता है, बताया था कि नहीं बताया था, बोलो कि इसमें हम बताया था, तो मार्कोनी वीट हम किसे कहते हैं, ट्रिटिकम ड्यूरम को कहते हैं, ठीक है। देखिए ट्रिटिकम क्या है, यहाँ पर जीनस है, क्या है आपका जीनस, और वल्गरी क्या है, यहाँ पर स्पीसीज है, तो अलग अलग प्रकार की स्पीसीज है यहाँ पर गेहूं की, लेकिन जीनस सबका सेम रहेगा, तो सभी स्पीसीज में आप ट्रिटिकम देखोगे लेकिन जो स्पीसीज है वो आपको अलग मिलेगी। तो यहाँ पर ब्रेड वीट कहा जाता है वल्गरी को, ठीक है भाई, और ड्यूरम को कहते हैं हम सभी मार्कोनी वीट। इंडियन ड्वार्फ या क्लब वीट किसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम को, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम को। एमआर वीट किसे कहा जाता है, एमआर गेहूं किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ट्रिटिकम डाइकोकम को, किसे कहा जाता है, ट्रिटिकम डाइकोकम को कहा जाता है, याद रखिए। तो ये पेपर में आता है कि मार्कोनी वीट किसे कहोगे, ब्रेड वीट किसे कहोगे, ठीक है, एमआर वीट किसे कहोगे, आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए कि किसे कहा जाता है। ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं 8920100937 पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको ये पीडीएफ वहां पर उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप करोगे तो लिखना आप सभी एग्रीकल्चर टुडे एग्रीकल्चर क्लास पीडीएफ, नो हाय हेलो, डायरेक्ट यही मैसेज करना है कि टुडे एग्रीकल्चर क्लास पीडीएफ, तो आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। यहाँ पर पूछा गया, देखिएगा, भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली गेहूं की प्रजाति कौन सी है, तो ये आपके ट्रिटिकम एस्टिवम है, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया है कि सबसे अधिक यही उगाई जाती है, इसीलिए हम जो मान लो आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ट्रिटिकम वल्गरे भी है, ट्रिटिकम डाइकोकम भी है, ट्रिटिकम एस्टिवम भी है, तो एग्जाम में देता क्या है, एस्टिवम ही देता है, क्योंकि मोस्टली जो आपकी फसल उगाई जाती है, गेहूं की किस्म उगाई जाती है, वो एस्टिवम होती है, याद रखिए, ठीक है। मैक्रोनी गेहूं को किस नाम से जाना जाता है बताइए, तो इसे हम एक्सपोर्टेड वीट भी कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये भी आपके हरियाणा पुलिस के पेपर में पूछा गया था, ये पूछा गया था कि जो ट्रिटिकेल है वो क्या है, आपका मानव निर्मित अनाज है, तो ये मानव निर्मित अनाज किस प्रकार से, इसमें क्या किया गया था, क्रॉस ब्रीड किया गया था, और क्रॉस किसका किया गया था, गेहूं का राई के साथ, भाई गेहूं का क्रॉस किया गया था बच्चे किसके साथ किया गया था, राई के साथ, जब गेहूं का क्रॉस राई के साथ किया गया तो जो वहां पर फसल बनी उसे क्या नाम दिया गया, ट्रिटिकेल, क्या कहा गया बच्चे आपका, ट्रिटिकेल कहा गया, हरियाणा एसएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है आपका। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि ट्रिटिकेल किसका संस्करण होता है, गेहूं और राई का होता है, याद रखिए। वर्षा आधारित क्षेत्रों में बुवाई के लिए, जहां पे वर्षा होती है, ठीक है भी जहां पर बारिश होगी, मतलब बारिश थोड़ी ज्यादा है, ऐसे क्षेत्रों में अगर आपको गेहूं उगाना है तो आप गेहूं की कौन सी किस्में उगाओगे, आप C306, आप सुजाता, आप शेरा और मुक्ता, ये फसलें कहाँ कहाँ पर उगा सकते हो, जहां पर बारिश होती है, तो सुजाता शेरा मुक्ता को क्या पसंद है, यहाँ पर बारिश पसंद है, ऐसे भी आप यहाँ पर याद कर सकते हो।
किस किस को? सुजाता, सेरा और मुक्ता को। मार्कोनी गेहूं की किस्में कौन कौन सी है बताइएगा। ठीक है, तो आप सभी कहोगे कि मैम एक सेकेंड रुकिएगा बच्चे, है ना, ये जो ट्रांसलेशन है ना वो थोड़ा गलत हो गया, आप उस पर मत जाइएगा। ठीक है, मतलब ये ऊपर नीचे कर दिया ना इसमें, प्लीज में थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो आप उस पर भटकेगा मत कि कौन सा है। ये पूछा आपसे मार्कोनी गेहूं के किस्में बताइए। ठीक है, यूपी 2425 PVWWS 291 ये पेपर में नहीं आया अभी तक। अगर हम बात करेंगे एग्जाम में जो पूछा गया है, सोनालिका पूछा गया है, सोनालिका आपके पेपर में आया हुआ है, गिरिजा आपके पेपर में आया है, कल्याण सोना आपके पेपर में आया हुआ है, जयराज आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जयराज किस प्रकार की है? हरित क्रांति के दौरान किस फसल को ज्यादा तवज्जो दी गई थी? ठीक है, तो जयराज मेघदूत मालविका। ठीक है बच्चे, और मालविका आपसे पूछेगा बताइए कि गेहूं की डबल जीन बोने किस्म कौन सी है, उत्तर दीजिएगा। तो आप सभी कहोगे कि ये आपकी आ जाएगी बच्चे यहां पर देखिएगा, सोनालिका। मतलब आपको सिर्फ किस्में पता होने चाहिए, ये जो नाम मैं बता रही हूँ ना, सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कौन सी इनमें से गेहूं की एक किस्म है। तो सोनालिका है, गिरिजा है, लर्मा है, रोजो है 64A, ठीक है भाई, अर्जुन है आपका, प्रताप है आपका, कल्याण सोना है आपकी। इनको आप सभी बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है भाई, इनको आप सभी बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, पूछा गया देखिएगा कि देर से बोई जाने वाली उपयुक्त तो किस्म कौन सी है। देरी से बो सकते हो आप सोनालिका को, ठीक है भाई। गेहूं की वो किस्म कौन सी है जो तीन तीनों ऋतुओं के प्रति प्रतिरोध है, आपको बताना है। ठीक है भाई, तो ये है आपकी छोटी लेरमा। ठीक है भाई, क्या है आपकी? छोटी लेरमा है, याद रखिएगा। पूछे आपसे बताइएगा कि गेहूं की जो पूसा तेजस किस्म है इसे और किस नाम से जानते हैं। HI 8759 यहां पर जैसे सोनालिका है आपकी, गिरिजा है आपकी, कल्याण सोना है आपकी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे आपके पेपर में कि बताइए किसकी किस्म है, तो आप कहोगे गेहूं की। या फिर ये पूछेगा कि गेहूं की किस्म कौन सी, आपको पता होना चाहिए। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपके? तो गेहूं निदेशालय आपके करनाल में है, याद रखिए कहाँ पर है बच्चे आपके, करनाल में। अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र 1966 में मैक्सिको में स्थापित किया गया था। गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? CRI। व्हाट डू यू मीन बाय CRI? CRI होता है क्राउन रूट इरिगेशन, ताज निकलने की अवस्था भी इसे कहा जाता है। ये पहली स्टेज होती है गेहूं में सिंचाई करने की, ठीक है भाई, और मोस्ट क्रिटिकल स्टेज बताई गई है, ठीक है भाई, गेहूं में सिंचाई करने की, तो इसे हम कहते हैं CRI। जब गेहूं को आप बो देते हो, बोने के 21 दिन बाद, गेहूं के बोने के 21 दिन बाद की जो अवस्था है उसे आप क्या कहते हो? उसे आप CRI स्टेज कहते हो, याद रखिए। तो ये आप अच्छे से याद करिएगा कि क्या कहा जाता है, तो CRI क्राउन रूट इरिगेशन भी कहा जाता है, याद रखिए। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे गेहूं के बारे में पूछे जाएंगे जो कि मैंने आपको बताए, इससे बाहर आपका गेहूं का क्वेश्चन नहीं जाएगा। कल हम करेंगे फसलों में जो डिसीज होती है, सारे के सारे रोग एक साथ में आपको कराऊंगा कि कौन कौन से रोग हैं जो आपकी फसलों में होते हैं। उसके बाद में धान में आपको करा चुकी हूँ, पिछले क्लास में मैंने राइस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराए थे कि धान से संबंधित अर्थात चावल से संबंधित क्या क्या प्रश्न आपके बन सकते हैं। और अभी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम ये जो फसलों के रोग है वो करेंगे। और बच्चे अगर हम बात करें यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनिमल हस्बेंड्री, वो भी हम करेंगे। एग्रीकल्चर में कुछ अन्य फसलें हैं, जैसे एक दिन में हम करेंगे सारी सब्जियां, एक दिन में मैं आपको करा दूंगी सारे फल, ठीक है, और एक दिन में हम जैसे रबी की फसल है, एक दिन में खरीफ की फसल है, तो चार क्लास में आपका एग्रीकल्चर का बढ़िया रिविजन हो जाएगा। आप सभी अगर चाहे अच्छी तैयारी के लिए, बढ़िया शानदार जबरदस्त तैयारी के लिए, अपना फाउंडेशन बैच में मात्र 699 थ्योरी के साथ में प्रैक्टिस क्लास आपको मिलेगी, आप सभी फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बच्चे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे 8920100937, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, आप सभी
व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। डायरेक्ट अपने क्वेरी लिखिएगा, नो हाय हेलो हाउ आर यू, डायरेक्ट पूछिए जो आपकी प्रॉब्लम है, सीधा मैसेज लिखिए जो भी आपको पूछना। व्हाट्सएप मैसेज ओनली, कॉल अवेलेबल नहीं है, कॉल आप नहीं कर। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया जरूर ज्वाइन कीजिएगा, रात 8 बजे आपकी हरियाणा जीके की क्लास है, आप सभी का रहेगा बेसब्री से इंतजार। तो आप सभी रात 8 बजे हरियाणा जीके की शानदार क्लास में जरूर आइएगा, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जरूर आएंगे और इंतजार रहेगा आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।